गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन कैसे आप पता करें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या वो हैलोजन हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं, और उसके बाद वाले कार्बन को डेल्टा एंड इप्सिलॉन। तो ये जो हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस कंपाउंड्स में भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और जिस कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। जैसे कि आपको पता करना है कि ये इथानेल जो एल्डिहाइड कहलाता है, एसिटाल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये COH, ये क्या है, ये अल्फा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन क्या है, मिथाइल है। तो आप देखिए उसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए सबसे पहले आप अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब इस कंपाउंड्स में तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। यदि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन का अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए, आपके पास ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड मान लीजिए, बेंजल्डिहाइड मतलब C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन जो ज्वाइंट है आपके बेंजल्डिहाइड और रिंग के साथ, वो कार्बन अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। सो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो एल्डोल कंडेंसेशन, नो एल्डोल कंडेंसेशन, नो एल्डोल कंडेंसेशन। ये देखिए आप, ये प्रोपेनॉल है, CH3, CH2, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन और इसके साथ ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। इसके साथ यदि आपने रीजन डाला डाइल्यूट बेस, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन सो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब आप कैसे पता करेंगे, कैसे करेंगे रिएक्शंस को, तो इसका मैकेनिज्म भी है, मैं शॉर्टकट तरीका आपको सिखाता हूं कैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए आप, जैसे ये कंपाउंड है इथेनॉल,
इसमें हमने डाइल्यूट बेस लिया। इस डाइल्यूट बेस या तो NaOH हो सकता है या बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तो इसमें आइडियल कंडेंसेशन होगा। तो आप क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे सिमिलर जिसका आइडियल कंडेंसेशन करना है। ये मैं शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप इसके दो लेंगे, ठीक है, एक आपने वो लिया और सेम कंपाउंड ये ले लिया और इसके अल्फा हाइड्रोजन को आपने ऊपर रखा, ऐसे कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको इस ओ के साथ अटैच करें, और ये ध्यान रखिएगा सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही अटैच होगा, और फिर ये अल्फा कार्बन को इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कीजिए और फिर इसको कंडेंस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3CHO, ठीक है, और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखिएगा ये अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप दूसरे वाला जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन, उसके साथ ही जुड़ेगा, फिर CH2COH। अब आप क्या करेंगे, हीट कर देंगे, फर्दर आपको कोई कंपाउंड चाहिए, हीट कर दिया, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेशन होगा, मतलब अल्फा और बीटा डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। कैसे, देखिए अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, सो ये देखिए आप, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए इसके और अल्फा और बीटा के बीच में आप डबल बॉन्ड बना देंगे, तो देखिए ये अल्फा हो गया भाई और ये क्या हो गया बीटा, तो OH बीटा से और अल्फा से H निकाल दीजिए और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दीजिए, दैट इज योर एल्डोल कंडेंसेशन, CH3CH। फिर क्या हो जाएगा, बोलिए डबल बॉन्ड बना दीजिए अल्फा और बीटा के बीच में, डबल बॉन्ड बना दीजिए और जो रिमेनिंग है उसको जोड़ दीजिए, है ना, हो गया कंपाउंड बन गया आपका ब्यूट टू इनर एंड इट्स इज नॉन एज क्रोटोनाल्डिहाइड, ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वी विल डू कैनिजरो रिएक्शंस। थैंक यू।